अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बदतमीजी अभी तुसी देखे ही काओ। क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? पीछे हटो, छोड़ो मुझे। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे। अगर तुसी किसी को बोलोगे कि मैंने शराब पी है, तो मैंने भी सबको चीख चीख कर बता देना है कि आपने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था। मैं नहीं छोड़ूंगी। पागल हो गई हो तुम? ना जी, मैं तो बस ये बोल रही थी कि अगर तुसी मेरी शराब वाली बात मेरे वीर जी को कहोगे तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। मुझे ऐसी जगह रिश्ता नहीं करना है। अरे रुंझुन, अरे बोलो हमरे सेक्रेटरी को कि थोड़ा काम ना खुद भी संभाल ले, बार बार हमें फोन करके तंग ना करे। हम यहाँ लल्ला के लिए लड़की देखने के लिए आए हैं, हमरे लिए ना सबसे जरूरी काम यही है बस। अरे अम्मा, पहले हमको ये बताओ लड़की कैसी है? हाँ, अभय को पसंद आई कहाँ? अरे बात कर रहा है अभी लल्ला, और का अम्मा तुमको याद है ना पापा क्या बोले थे, ये रिश्ता होना कितना जरूरी है हम लोग के लिए? पता है हमें, पर वो का है कि लल्ला अभी तक बिंदिया को भुलाना है। अरे छी 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 अम्मा, कौन उस मनुष्य का नाम ले रही हो, हमारा दिन खराब कर दिया तुमने तो। ए रुंझुन, खबरदार जो हमारी बिंदिया को मनुष्य का तो कह देते तुझे। तुम लोगन के षड्यंत्र के कारण ही ना वो आज दुनिया में ना है। हाँ, हमारा षड्यंत्र? वाह वाह वाह, अरे हम ही तो लेकर गए थे ना उसको खाई के पास, है ना? हमें हर मुसीबत से बिंदिया ने बचाया था, काश वो उस दिन बच जाती। उस दिन बच जाती ना अम्मा तो जानते हो क्या होता, बिंदिया तो मिल जाती पर तुम अपने लल्ला को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। पर क्या लगता तुमको अभय को पता नहीं चलता कि खाई के पास तुम लेकर गई थी? तुमने उसको धक्का देने की कोशिश की थी? नहीं, हमरी बिंदिया नहीं बताती। अरे उसने हमें माफ कर दिया था। अच्छा एक बात बताओ अम्मा, तुमने हमको बताया था कि तुम खाई से बाहर आई और बिंदिया नीचे गिर गई। अगर बिंदिया को ये लगा हो कि तुम खाई से बाहर आने के बाद जानबूझ के उसकी रस्सी को नीचे काट के गिराया हो तो? अरे कैसी बातें कर रही है तू? हाँ? अरे वो ऐसे काहे सोचेगी? अरे खाई में नीचे गिरने वाले की नजर से देखो अम्मा, तब तुमको समझ में आएगा। अरे अच्छा हुआ वो नहीं बची है। पता है ना लल्ला तुम्हारा तुमको कभी माफ नहीं करता। अम्मा बस भी करो अब। हाँ बस भगवान से दुआ करो कि दोबारा कभी तुम्हारा उससे सामना ना हो।
तुम जिंदा हो। बार सबसे यही कहता था कि मेरी बिंदिया जिंदा है, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता था। मैं जानता था कि मेरी बिंदिया मुझे ऐसे छोड़कर जा ही नहीं सकती। अभय जी, आप जानते हैं हम किसकी वजह से आपसे दूर थे 7 सालों के लिए। किसकी वजह से बिंदिया? इनकी वजह से हमें खाई से धक्का देने की कोशिश की। लला, आपने ऐसा किया, अपने बेटे को इतना दुख दिया आपने, अपने ही बेटे को उसके प्यार से दूर रखा आपने। अरे 7 सालों से मैं जो इतना दुख सह रहा हूं, ये जानते हो भी मां, आपने मुझसे सच नहीं बताया, धोखे में रखा आपने मुझे। अपनी बात तो सुनो। और सुनने को क्या रहा है? हमरे लल्ला ने या हमरे पति ने आपको देखा का? लल्ला, ऐ की होंदा है जी? हमारा बेटा वो ना जी ना, किसी से भी नहीं मिल पाया अभी तक हम तो। अच्छा, तो तुम सिर्फ हमें उतना ही जानती हो कि हम यूपी के सीएम हैं। हाँ जी। का हुआ है बिंदिया को, ये हमें पहचान क्यों नहीं रही है? देखिए बिंदिया सरकार सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।